है नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप लोग अपने मोबाइल में डीजे गेम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस डीजे गेम में आप अपना मनपसंद गाना भी बजा सकते हैं। तो आपको गाना कैसे बजाना है, इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने कहीं पर वीडियो को स्किप किया तो आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। सिंपल इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको एक छोटा सा गेम प्ले करके दिखा देता हूं। तो चलिए यहां पे आपको मैं एक छोटा सा गेम प्ले करके दिखाता हूं। फ्री मोड पर क्लिक करके यहां पर कंटिन्यू, तो यहां पर एड आएगा तो आपको एड देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे गेम लोड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे क्लिक करके म्यूजिक भी सेलेक्ट करके बजा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक म्यूजिक सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो आपको मैं बजा के दिखाता हूँ। तो आपने गेम प्ले तो देखा। तो आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सिंपल इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आपको वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको दो लिंक दिखेगी, एक गेम की लिंक दिखेगी और एक डीजे मोड की लिंक दिखेगी। तो आपको वो दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग वो दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको गेम को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको गेम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गेम को कट कर देना है। कितना करने के बाद आपके यहाँ फोल्डर में एक फ़ाइल बन जाएगी BUSSID करके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो फाइल, एक मिनट। तो ये रही वो फाइल, ये रही, तो ये फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो आप डीजे मोड को डाउनलोड करके रखे होंगे जिस फाइल में, उस फाइल में आपको चले जाना है। चलिए मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो मैंने डाउनलोड में किया था, डाउनलोड पे जाता हूँ। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो ये रहा। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद वो फोल्डर में जाके मैं पेस्ट करूँगा। तो चलिए मैं चला जाता हूँ वो फोल्डर में। तो ये रही फाइल, और यहाँ पे मोड पे जाके सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इतना काम करने के बाद आपको गेम को ओपन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं गेम को ओपन करके बताता हूँ। तो गेम ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल आपको यहाँ पे मोड पे क्लिक करना होगा। तो मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो फाइल। तो चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और फाइल मैनेजर पे जाते हैं, और यहाँ पे एक मेन स्टोरेज पे जाते हैं। आपने जिस फाइल में डाली थी उस फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। चलिए वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। तो ये रही वो फाइल BUSSID, और मोड पे जाके और इस फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बता दूँ आपका नेट ऑन होना चाहिए इसके लिए, तभी आपका ये होने वाला है। तो ठीक है, आप अपना नेट कनेक्शन ऑन करके रखना। तो ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री मोड पे क्लिक करना होगा। तो फ्री मोड पे क्लिक करने के बाद आपको एड देखने को मिलेगी, तो आपको ये एड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर आप ऐड देख लीजिए। तो ऐड ख़त्म हो चुकी है। ऐड ख़त्म हो जाने के बाद आपको सिंपल सा बैक आ जाना है। चलिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपल गैरेज के ऑप्शन पे जाना होगा। चलिए यहाँ पे चला जाता हूँ। गैरेज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डीजे फाइल दिखेगी, डीजे दिखने वाली है। तो चलिए यहाँ पे लोड हो रहा है, तो थोड़ा इंतजार। देख सकते हैं यहाँ पे डीजे आ चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे यूज पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे आप गाना कैसे सेलेक्ट करके बजा सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है। म्यूजिक जाने के बाद आपको एक फ़ोल्डर बनानी पड़ेगी, प्लेलिस्ट करके ऐसी कुछ आएगी। तो आप अपना फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद आपको, चलिए मैं यहाँ पर मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फाइल। तो फाइल मैनेजर पे जाता हूँ, तो आपने जिस भी फोल्डर में डाल के रखा है अपना म्यूजिक, तो वो फोल्डर में चले जाइए। तो चलिए मैं यहाँ पे
यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हूँ तो रख देता हूँ। तो आप इतना करने के बाद सिंपल से आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाना है। चलिए यहाँ पे बैक आता हूँ, तो हो रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आ चुका हूँ बैक। इतना आने के बाद आपको फ्री मोड पे क्लिक करके आपको म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो इतना करने के बाद आपका गेम लोड हो रहा है। तो लोड हो रहा है, तो गेम लोड हो चुका है। लोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऐसे इधर म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्ले करना होगा। चलिए यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाद आपको गेम प्ले दिख कर सकते हैं।